बार ये मुद्दा उठता है कि भारत जोड़ो यात्रा देश विरोधी ताकतों का अड्डा क्यों बनता जा रहा है। हर समय नरेंद्र मोदी की सरकार के पीछे पड़े रहना चाहिए। बिलावल भुट्टो ये काम कर रहे हैं न्यूयॉर्क में बैठकर, और उन्हें कवर फायर कौन दे रहा है? राहुल गांधी भारत में बैठकर। दोस्तों, गोदी मीडिया के सुप्रसिद्ध एंकर सुधीर चौधरी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर अपने शो ब्लैक एंड व्हाइट में इसे देश विरोधी ताकतों का अड्डा बता दिया। बता दें कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिस पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत और चीन मुद्दे को लेकर कुछ सवाल उठाए थे, जिन सवालों को लेकर सबसे ज्यादा मिर्ची सुधीर चौधरी को लगी, जिसके बाद सुधीर ने अपने शो में बाकायदे राहुल गांधी की तुलना पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो से कर दी। बता दें कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने आज न्यूयॉर्क के यूएन में प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा था और आरएसएस पर भी कई गंभीर सवाल उठाए थे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि गुजरात दंगों का कसाई आज भारत का प्रधानमंत्री है और आरएसएस की तुलना हिटलर से कर दी। दोस्तों, अब इन सवालों के बाद सुधीर चौधरी ने इसकी तुलना राहुल गांधी के बयानों से कर दी, जबकि राहुल ने सिर्फ और सिर्फ कुछ मुद्दे ही उठाए थे। इसी को लेकर गोदी मीडिया के एंकर ने इसको पाकिस्तान के विदेश मंत्री से जोड़ दिया, यानी अगर राहुल गांधी सरकार से सवाल करते हैं तो गोदी एंकर उनकी तुलना किसी न किसी से करते रहते हैं। आगे सुधीर चौधरी ने अपने शो में कहा कि बिलावल भुट्टो न्यूयॉर्क में बैठकर भारत पर निशाना साध रहा है, तो वहीं राहुल गांधी उनको भारत में बैठकर कवर फायर दे रहे हैं। सुधीर ने यह भी आरोप लगाया कि भारत जोड़ो यात्रा भारत विरोधी ताकतों का अड्डा बन गई है। आगे उन्होंने कहा कि चीन मुद्दे पर सवाल करने के बजाय उन्हें घरेलू मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, अब सुधीर चौधरी के अनुसार सरकार से सवाल पूछना भारत विरोधी मान रहे हैं। इस पर एक ट्विटर यूजर ने कहा, थोड़ी तो शर्म करो सुधीर चौधरी, कहां का अंदाजा कहां लगा रहे हो, अपने बाप को खुश करने के लिए इतना गिरोगे। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सिनेत ने इस पर कहा, जब चीन पर सरकार के सारे नुमाइंदे मीडिया के चरण चुंबक और ट्रोल आर्मी एक ही बात बोले तो समझ जाइए कि स्थिति वाकई गंभीर है। आज यही हो रहा है, राहुल गांधी के बयान ने कौतूहल मचा दिया है, क्योंकि जो छुपाने की कोशिश की जा रही थी वो खुलकर बाहर आ गया है। सुधीर चौधरी का यह वीडियो शेयर करते हुए एक और ट्विटर यूजर इस पर लिखते हैं, मीडिया का सारा ध्यान भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर लगा रहता है, आम जनता के मुद्दों के लिए उनके पास कोई समय नहीं है।